Hello everybody, welcome to Exam Flip. Our today's topic is District Profile of Himachal Pradesh, District Shimla. Before starting, please subscribe to our channel to get updates of our upcoming videos. If you like our videos, then don't forget to like and comment. And friends, if you want us to make video on any other topic or want to give us suggestions, then comment below. Now let's begin with our today's topic. District Profile of Himachal Pradesh, District Shimla. Himachal Pradesh District Profile, District Shimla, Part 2. पहले भाग में हमने रियासतों, इसके फेयर एंड फेस्टिवल्स की बात की थी. आइए तो इसे शुरू करते हैं. शिमला के नॉर्थ में कुल्लू एंड मनाली है, इसके ईस्ट में किन्नौर, साउथ में उत्तराखंड एंड सिरमौर है, साउथ वेस्ट में सोलन है. इसके रिवर सिस्टम की बात भी हम अपने पहली वीडियो में कर चुके हैं. रिवर सिस्टम में आते हैं सतलुज, पब्बर एंड गिरी. 2011 सेंसस के अकॉर्डिंग शिमला डिस्ट्रिक्ट की पॉपुलेशन 8,13,384 पर्संस है, जिसमें से मेल है 4,24,486 और फीमेल है 3,88,898. उसी तरह इसकी रूरल पॉपुलेशंस है 6,11,884 एंड अर्बन की है 2,01,500. इसकी डेंसिटी है 159% पर स्क्वायर किलोमीटर. लिटरेसी रेट है 84.55%, जिसमें से मेल की है 90.73% एंड फीमेल 77.80%. शिमला की सभी डिस्ट्रिक्ट में से सबसे हाईएस्ट पॉपुलेशन है, जो कि टोटल पॉपुलेशन का 24.77% है. इसका ज्योग्राफिकल एरिया है 5,131 स्क्वायर किलोमीटर, जो कि हिमाचल प्रदेश के टोटल एरिया का 9.22% है. इसमें विलेजेस है 2,914, इनहैबिटेड मीन जो यहीं के निवासी हैं वो है 2,520 और इनहैबिटेड 394 है, और पंचायत है इसमें 363. 2011 सेंसस के अकॉर्डिंग शिमला में सबसे ज़्यादा जो रिलीजन है वो हिंदुइज़्म है, जो 93.5% है. इस्लामिक यहाँ पर 2.29% है, सिख 1.95% है, बुद्धिज़्म 1.33% है और क्रिश्चियंस 0.62% है. यहाँ का टोटल एरिया है 5,131 स्क्वायर किलोमीटर. उसमें से जो फॉरेस्ट के अंडर है वो है 3,418 स्क्वायर किलोमीटर, और जो कल्टीवेशन के अंडर आता है वो है 89,454 हेक्टेयर. शिमला डिस्ट्रिक्ट की जो सेक्स रेशो है 916 फीमेल्स फॉर एवरी 1,000 मेल्स, एंड रूरल में है इसकी 952 पर 1,000 मेल्स एंड अर्बन में है 816 पर 1,000 मेल्स. शिमला हिमाचल प्रदेश की राजधानी 1966 में बनी. ये क्वेश्चन पहले भी HAS प्री 2007 में भी पूछा जा चुका है. अर्थक्वेक हैजार्ड जोनिंग ऑफ इंडिया के अकॉर्डिंग शिमला हाई डैमेज रिस्क जोन 4 में आता है. नाउ अब बात करते हैं इम्पॉर्टेंट हिल्स की. इम्पॉर्टेंट हिल्स है जाखू हिल, प्रॉस्पेक्टस हिल, ऑब्जर्वेटरी हिल, इलीजियम हिल, समर हिल, प्लेजेंट हिल और अनाडेल. शिमला नगर प्राचीन क्योंथल रियासत के अंतर्गत आता था, जिसकी स्थापना 1211 ईस्वी में गिरी सेन ने की थी. 1806 में शिमला गोरखों के अधीन था. उसके बाद 1815 ईस्वी में गोरखा ब्रिटिश युद्ध के बाद यह क्षेत्र अंग्रेजों के अधीन आ गया. शिमला का नाम गॉडेस्ट श्यामला देवी, जिसे काली के नाम से भी जानते हैं, उनके नाम पे पड़ा. यह क्वेश्चन HP BEd 2005 में आ चुका है. सबसे पहले 1819 में लेफ्टिनेंट रोस, जो कि असिस्टेंट पॉलिटिकल एजेंट थे हिल स्टेट्स के, उन्होंने लकड़ी का एक कॉटेज बनाया था शिमला में. उसके बाद चार्ल्स
कैनेडी ने यहाँ पर परमानेंट हाउस या पक्का मकान बनाया था 1822 में, जिसे कैनेडी हाउस के नाम से जाना जाता है, जो अब हिमाचल प्रदेश लेजिस्लेटिव असेंबली की बिल्डिंग बन चुका है। लॉर्ड एमहेस्ट 1827 में शिमला आने वाले पहले गवर्नर जनरल थे जो कि कैनेडी हाउस में ठहरे थे। विलियम बेंटिक 1832 में शिमला में आए थे। 1844 में यूएस क्लब बना। 1882 में रिपन हॉस्पिटल बना और यह 14 मई 1885 को खुला। 1990 में इस हॉस्पिटल का नाम बदलकर दीनदयाल उपाध्याय अस्पताल रखा गया था। 1850 में शिमला नगर पालिका बनी। यह हिमाचल प्रदेश की सबसे पुरानी नगर पालिका है। वर्तमान में इसे नगर निगम के नाम से जाना जाता है। फेमस चर्च ऑफ शिमला जो रिज मैदान पर बना है, उसकी जो नींव रखी थी वो डैनियल विल्सन ने रखी थी। 1844 में हिंदुस्तान तिब्बत सड़क का निर्माण शुरू हुआ। यह नेशनल हाईवे 22 के नाम से जाना जाता है। 1856 में सड़क का निर्माण पूरा हुआ। यह सड़क 1860 से परिवहन के लिए इस्तेमाल हुई। इस बीच इसमें टनल बनाई गई जिसे हम ढली टनल के नाम से जानते हैं। 1860 में लॉर्ड कैनिंग जो हमारे लास्ट गवर्नर जनरल थे वो शिमला आए थे। 1861 में लॉरेंस असाइलम जो कि सनावर में है बनाया गया। 1864 में शिमला को भारत की ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाया गया था। शिमला को ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाने का श्रेय लॉर्ड लॉरेंस को जाता है। 1883 में शिमला के रोथनी कैंसल में एओ ह्यूम ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना का विचार रखा। अनाडेल मैदान में 1888 में सर डुरांट मोर्टिमर ने डुरंट कप शुरू किया था। 1888 में ही टाउन हॉल बनकर कंप्लीट हो गया था, जिसे हेनरी इरविन ने गॉथिक स्टाइल में डिज़ाइन किया था। 1887 में गेटी थिएटर खुला। वहाँ का सबसे पहला नाटक था टाइम विल टेल। 1887 के विद्रोह में कसौली और चतोक से विद्रोह की शुरुआत हुई थी। 500 फुट की लोअर बाजार टनल 1905 में बनाई गई थी और 200 फुट की इलीजियम टनल जिसे ऑकलैंड टनल भी कहते हैं उसे भी 1905 में बनाया गया था। कालका शिमला रेलवे लाइन 903 में खुली, जिसमें 806 पुल और 103 टनल्स बीच में है। इसे ब्रिटिश ज्वेल ऑफ द ओरिएंट के नाम से जाना गया। इसकी टोटल लेंथ थी 60 माइल्स। 2008 में इसे यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल कर लिया गया है। स्वतंत्रता से पहले शिमला पंजाब के अनडिवाइडेड स्टेट्स की राजधानी थी, चंडीगढ़ के निर्माण होने तक। उसके बाद चंडीगढ़ उसकी राजधानी बनी। चंडीगढ़ हरियाणा और पंजाब दोनों की राजधानी है। अलाइड सर्विसेज में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि पंजाब हाई कोर्ट शिमला में कहाँ पर स्थित था चंडीगढ़ ट्रांसफ़र होने से पहले, तो इसका आंसर है पीटर हॉफ। स्नोडन हॉस्पिटल का नाम बदलकर 1985 में IGMC, जिसे इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज भी बोलते हैं, रखा गया। 11 मई 1921 को महात्मा गांधी पहली बार शिमला आए और शांति कुटीर जो समरहिल में है वहाँ पर रुके। ये क्वेश्चन अलाइड सर्विसेज प्री एग्जामिनेशन 2009 में पूछा गया था। 1 जून 1939 में हिमालयन रियासती प्रजामंडल
की शुरुआत की गई थी, जिसके प्रेसिडेंट पंडित पद्म देव जी थे। 1966 ईस्वी में शिमला को हिमाचल प्रदेश में मिलाया गया। 1 सितंबर 1972 को शिमला व महासू के पुनर्गठन के बाद शिमला व सोलन जिले का निर्माण हुआ। 1971 में जब भारत और पाकिस्तान की लड़ाई हुई थी, उसके बाद इंडिया और पाकिस्तान का जो सम्मेलन था वो शिमला में ही हुआ था। 1914 से लेकर 1918 तक फर्स्ट वर्ल्ड वार हुई थी और 1939 से 1945 तक सेकेंड वर्ल्ड वार हुई थी। सेकेंड वर्ल्ड वार की यादगार में विक्टी टनल का निर्माण 1945 में हुआ। सुपरवाइजर एग्ज़ाम 2006 में पूछा गया था कि शिमला समझौता जो भारत और पाकिस्तान के बीच हुआ किस वर्ष हुआ था, तो इसका उत्तर है 1972 ईस्वी में, 3 जुलाई 1972 में शिमला समझौता हुआ था। शिमला का एयरपोर्ट जुबरहट्टी में है। आइए अब आगे बढ़ते हैं। शिमला जनरल पोस्ट ऑफिस नॉर्दर्न इंडिया का सबसे पुराना पोस्ट ऑफिस है। इसकी बिल्डिंग की कंस्ट्रक्शन 1882 में हुई थी। इसके बिल्डिंग को कॉनी रिवाइज्ड हेरिटेज के नाम से जाना जाता था। मिस्टर एफ डेल्टन यहाँ के पहले पोस्ट मास्टर थे। जीपीओ रिकॉर्ड्स के अकॉर्डिंग मिस्टर एलजी पिगॉट इसके लास्ट इंग्लिश पोस्ट मास्टर थे, जो कि दिसंबर 1946 तक पोस्ट मास्टर रहे। मिस्टर ए के हजारी इंडियन ओरिजिन से 1947 के फर्स्ट पोस्ट मास्टर थे। सेक्रेट ओल्ड नेम इज एलगर बिल्डिंग। पुलिस स्टेशन ऑफ छोटा शिमला न्यू टोडार स्ट्रक्चर में बनाया गया था। इसके जो फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट 23 मई 1905 को आई थी इस पुलिस स्टेशन में। 1880 ईस्वी से 1888 ईस्वी तक भारतीय उच्च अध्ययन संस्थान बनाया गया, जिसे लॉर्ड डेफरिन ने बनवाया। इसे वॉयसराय लॉज के नाम से भी जाना जाता है। इसका नाम 1965 ईस्वी में बदलकर भारतीय उच्च अध्ययन संस्थान रखा गया। इसे राष्ट्रपति निवास के नाम से भी जाना जाता है। 1913 से 1914 ईस्वी में मैकमोहन रेखा, जो भारत और चीन के बीच में है, खींचने का निर्णय शिमला में ही लिया गया था। 1942 ईस्वी से 1945 ईस्वी तक शिमला वर्मा के प्रवासी सरकार मुख्यालय था। आइए बात करते हैं शिमला के तहसील, सब तहसील और टाउन्स के बारे में। शिमला में 12 तहसील्स हैं। रामपुर, कुमारसेन, शिमला, शिमला रूरल, शिमला अर्बन, ठियोग, पनोली, चौपाल, जुब्बल, कोटखाई, रोहड़ू, चिड़गांव, डोडरा, कवार। और इसकी सब तहसील 5 है। ननखरी रामपुर में है, जुनगा शिमला, चेता या कुप्फी भी कहते हैं वो चौपाल में है, नेरवा चौपाल और टिक्कर रोहड़ू। 10 टाउन्स रामपुर, नारकंडा, सियोनी, कुमारसेन, शिमला, ठियोग, चौपाल, कोटखाई, जुब्बल, रोहड़ू। शिमला की सब डिविजन्स हैं शिमला अर्बन, शिमला रूरल, ठियोग, चौपाल, रोहड़ू, रामपुर और डोडरा कवार। इसके सीडी ब्लॉक्स है 10, मशोबरा, ठियोग, चौपाल, जुब्बल, कोटखाई, रोहड़ू, कुमारसेन, चिड़गांव, बसंतपुर और ननखरी। लेजिस्लेटिव असेंबलीज है 8, रामपुर, शिमला रूरल, शिमला अर्बन, ठियोग, चौपाल, जुब्बल, कोटखाई, रोहड़ू और कुसुमटी। अब यहाँ के प्रसिद्ध टेंपल्स की बात करते हैं। भीमा काली, हाटकोटी, कालीबाड़ी, जाखू टेंपल और तारा देवी टेंपल। यहाँ की लेक्स हैं चंदनाहन, तानू जुब्बल और गड कुफर, पॉन्ड्स और स्प्रिंग
ज्योरी और चैडविक। थैंक यू फ्रेंड्स। Thank you.